तो दिस क्वेश्चन नंबर 34 इसमें दिया गया है अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस। तो ये बेस का अपन को क्या दिया है, डायमेंशंस दिए हैं। कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 5 मीटर। इफ वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड इन टू द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। तो क्या है अपन को, क्या एक टैंक दिया है, क्यूबॉइडल है ये टैंक, ठीक है। तो ये दिया है अपन को 11 मीटर और ये दिया है 6 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक एक हाइट तक ये टैंक भरा है, ठीक है। कितनी हाइट तक भरा है ये, 5 मीटर तक, ठीक है। फाइव मीटर तक भरा ये टैंक, तो ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब इससे ट्रांसफर करा जा रहा है पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। और इसका रेडियस उसने दे दिया है कितना, 3.5 मीटर, ठीक है। और इसकी हाइट पूछ रहा है कहाँ तक पानी भरा जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि पानी सेम है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें जा रहा है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 11 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक, इसके इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है, इस पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह अपन रख देंगे 3.5 का होल स्क्वायर। और एच, एच तो अपन को निकालना ही है, ये किसका वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से अपनी एच की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 8.6 मीटर। तो देयर आर रिक्वायर्ड आंसर।